तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक पे हाय रे मेरी मोटो ये सॉन्ग काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। फिर से इस सॉन्ग पे कुछ इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, जो शिवानी फिलहाल में टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी तेज़ी से लाइक्स एंड व्यूज बढ़ने के चांसेस है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ इस तरह से एक वीडियो शूट करना है और अपने हाथ में कुछ ग्रीन स्क्रीन का कपड़े कुछ इस तरह से ले लेना है। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे ग्रीन स्क्रीन में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपका वीडियो 17 से 18 सेकेंड तक वीडियो होना चाहिए। और आपको देखना है हमारा वीडियो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मैंने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट मैंने शूट कर लिया हूँ, तो आपको देखना है वीडियो शूट कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड को जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो प्रेस करके रखेंगे, आपको इसको लास्ट पॉइंट तक आपको लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और आपको देखना है आपको वीडियो लास्ट में कहाँ तक खत्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है 10 सेकेंड के आसपास। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड को भी मैंने ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। आप जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपका वीडियो 16 से 17 सेकेंड तक होना चाहिए। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन में कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को इनेबल करना है, कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है उसे आपको बिल्कुल ब्लैक कर देना है कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली हमारा एक ग्रीन स्क्रीन ब्लैक हो चुका है। इसके बाद डन करना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसके बाद आपको गर्ल वाले वीडियो कलर पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ आना है और आपको कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सही से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। और फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर एडिट हो चुका है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडो फेड आउट को ऑफ कर देना है और इसके बाद जो आपका जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो है उस वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।